अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी तमाम YouTube फैमिली को चांद रात बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। जैसे ही सुना कि चांद नजर आ गया, हमारी तो दौड़े लग गई बाजारों में। मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग बनाकर आपको चांद रात की अपडेट्स दूं कि बाजारों में क्या चल रहा है। जितनी मर्जी आप पहले शॉपिंग कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ एंड तक लाजमी रह जाता है जो कि चांद रात को लाना ही पड़ता है। तो आज चांद रात की रात को स्टॉल्स लगे हुए थे मेहंदी के, चूड़ियों के, बाकी सब कुछ तो बाय कर लिया हुआ था। मैंने सोचा कि अब जाकर चूड़ियाँ और जो छोटे मोटे काम रह गए हैं जैसे कि मेहंदी, वो सब कुछ जाकर ले आया जाए। लेकिन इधर आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, गाड़ी पर स्पेशली इतना रश था कि ये व्लॉग मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है, अदरवाइज इतना रश था कि ये सारा व्लॉग जो मैंने अभी बनाया, जिसे मैंने 3 मिनट में कन्वर्ट किया, 3 से 4 मिनट में, ये कम अज़ कम 1 घंटे में बना था वीडियो रिकॉर्ड, इतना ज़्यादा रश होने की वजह से। आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप गाड़ियाँ गुजर रही हैं और शॉप्स पर रश देख सकते हैं आप, किस कदर रश है, जिस तरह कोई फ्री की चीज़ मिल रही हो। आप साथ साथ देख सकते हैं कि किस कदर रश है। अच्छा, ये स्टॉल पर पहुंच चुके हैं, ये सारा स्टॉल गाड़ियों के साथ कवर है बाहर से, आपको गाड़ी पीछे खड़ी करके फिर आगे पैदल चलना पड़ता है। मुझे एक बात बताइएगा, अब उस तरह के शौक क्यों नहीं रहे ईद पर, जूते कपड़े चूड़ियाँ ये लेना है वो लेना है, मैचिंग करना है, इस तरह करना है उस तरह करना है, मतलब सारी रात नींद नहीं थी आती कि यार सुबह ईद है। शायद बच्चों में पढ़ने की वजह से अब शौक बच्चों में कन्वर्ट हो गए हैं कि यार बच्चों की ये चीज़ें लेनी है, बेटियों की स्पेशली वो चूड़ियाँ, मैचिंग चूड़ियाँ, उनकी तरफ शायद रुझान होने की वजह से अपना शौक कम पड़ गया है। जो बताइएगा किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है, या तब हम मैच्योर नहीं थे, अब मैच्योर हो गए इसलिए इसका ताल्लुक क्या मेजॉरिटी से है। मेहंदी लगाने का शौक होता था, इस पर तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। ये देखिए कितना खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है, ढेरों चूड़ियाँ लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, लेकिन मुझे अपने लिए शौक नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए लूँ। जब से मेरी बेटी है मुझे यही होता है यार इसकी ये चीज़ भी पूरी हो जाए, वो चीज़ भी पूरी हो जाए। बच्चों की एक्साइटमेंट देख के ना, एक्चुअली ईद की एक्साइटमेंट तो बच्चों को होती है, अब उन्हें सारी रात नींद नहीं आती जिस तरह हमें नहीं आती थी, लेकिन हमारी ईद फिर भी बहुत सिंपल होती थी। इनकी ईद पर तो अभी मेरी बेटी 1.5 साल की, और अभी से मेरा दिल है कि मैं उसकी ज्वेलरी लूँ, ईयर रिंग्स लूँ। अच्छा, ये कुछ क्लिप्स थे जो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुए, ये आप देख सकते हैं, ये मेहंदी का स्टॉल भी लगा हुआ था, ये मेहंदी के कुछ डिज़ाइंस दिखाने लगी हूँ मैं आपको, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकें। ये बहुत सिंपल से डिज़ाइंस मैंने सेलेक्ट की है ताकि आप डिसाइड कर सकें आपने ईद पर कौन सा डिज़ाइन लगवाना है। बड़े सिंपल से डिज़ाइंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आप अगर ख़ुद भी लगाना चाहें तो ईजीली लगा सकें। ये जिस स्टॉल से मैंने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं पैदल चलकर गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे मेरी गाड़ी की मिल गई। इतना रश होने की वजह से कि गाड़ियाँ मिक्स हुई पड़ी हैं कि पता नहीं लग रहा कौन सी किसकी है। और कुछ देर बाद ना मैं अपनी गाड़ी के पास से 2 दफ़ा गुजरी, लेकिन मुझे पता नहीं लगा मेरी गाड़ी या आखिरकार मुझे मिल गई है। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत टफ है। आप जी घर की तरफ चलते हैं, और घर जाकर मैं अपनी कॉलोनी का स्टॉल दिखाती हूँ आपको। कॉलोनी वाले स्टॉल की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को आपने एंड तक लास्ट भी देखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। ये घर पहुंचते ही मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए अपने कॉलोनी वाले स्टॉल की तरफ आ गई हूँ। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है ताकि आप का टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। और यहाँ पर बच्चों के प्ले लैंड, बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ था, पिज़्ज़ा स्टॉल लगा हुआ था, ब्राउनी स्टॉल, कपकेक्स, बेकरी स्टाइल सब कुछ लगा था, और ये मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था। मैंने तो चांद रात बहुत इंजॉय की है, आपने भी मुझे बताना आपकी चांद रात कैसी गुजरी है। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।